हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हांसी में बंदा बहादुर कार्यक्रम में उनको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं, वो सीधे सुनते हैं। शहादत भी देती अपने पुत्र बाबा अजय सिंह जी की शहादत भी हुई, गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने प्रेरणा दी कि संत की बजाय एक सिपाही बन के जिथे लोड़ इत्थे काम करो। वो समाज वास्ते संत सी, समाज के जिहड़े दुश्मन सीगे उन्हां वास्ते वो सिपाही सीगे। उन्होंने हथियार भी चुके, रक्षा की देश की, और जिस तरह दसिया गया पहला सिख राज राजधानी लोहगढ़ बना के उन्होंने नवा सिक्का भी चलाया। उन्होंने जमीन वाहक दी, जिहड़ा जमीन जोतेगा जमीन उस दी, ये भी एक बहुत बड़ा फरमान उस वेले जारी किया। बहुत बड़ी किसानों नूं एक राहत भी दित्ती। बहुत सारे काम किए गए हैं, अज गिणाउण दा ते मैं दस्सिया समा नहीं है। नाल फिर जिक्र होया हांसी दा, हांसी दियां मंगां ते साडे विधायक विनोद भ्याणा जी ने रखियां है, वो एक साइड ते रखो। लेकिन हांसी दी जिहड़ा हांसी दा इतिहास है, ये भी बहुत बहुत प्रेरणा देने वाला इतिहास है। कहिंदे कि हांसी उस दलीज दा नां सीगा कि दुश्मन पश्चिम साइड तो जिसले आउंदे सी, ये कहा जाता है कि हांसी की जिहड़ी दलीज है वह पार करोगे तो देश दे जाके कुछ ना कुछ राज करन दी गल सोचोगे। हांसी एक बैरियर सी। अज मैं जिथों आया यानी झज्जर जिले च राजनाथ सिंह जी का प्रोग्राम सी, उत्थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जिहड़ी प्रतिमा सी उहदा एक अनावरण का प्रोग्राम सीगा। तुहानू पता होना पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हांसी सी। उन्होंने सारिया लड़ाइया इथों लड़िया, भावे त्रावड़ी की लड़ाई लड़के है तां वी इथों लड़ी। हांसी लाल सड़क से सुनने किस तरह इथों के इलाके के जवानों का इथों के नागरिकों का किस तरह शहादत दी गई। नाल पिंड है रोणाथ, रोणाथ की शहादत की कहानी असी सुनी है। हांसी के अपने नौजवान इन्हां दी शहादत की कहानी असी सुनी है। बहुत वड्डा एक जिस तरह कहने कि महत्व हांसी का है, छोटिया मोटिया गल्लां सब चलदियां रहणगियां। हांसी नूं देश और दुनिया की संस्कृति च इस तरह खड़ा करो कि इत्थों एक प्रेरणा मिले लोगों नूं। उस तरह का कोई स्मारक जिवें असी सोचने आ लोहगढ़ दे जवाब बंदा बहादुर जी का स्मारक बनाया जाए, उत्थे कोई मार्शल आर्ट का स्कूल खड़ा किया जाए, इस तरह कोई ना कोई इत्थे दा भी कोई हिला कोई बनाओ, कोई सोचो, हांसी का नाम बहुत उज्जवल होएगा। और जब तक अपने समाज की गल है, बाबा बंदा सिंह बहादुर की जिहड़ी यादगार अपनी जिहड़ी समिति सोसाइटी सभा जो बनी है, ये लगातार अपना हर साल काम करते हैं, ज्यादा ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं तो संक्षेप में इन्नी गल करांगा कि एक तो गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं उन्हां दी दित्ती सिक्ख्या नूं असीं मन्ने आ, ज्यादा ज्यादा उहदा प्रचार वह गुरद्वारां राहीं होएगा। गुरुद्वारे जिथे नहीं है उत्थे भी बनाने की अगर थोड़ी हिला करोगे तो सरकार की तरफों जो मदद चाहिए पूरी करांगे। गुरुद्वारे बना के उन्होंने संभालने वाले बनो, उतों प्रचार होवे, उतों नवी आने वाली पीढ़ी नूं गुरु सिक्ख्या मिले। नाल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जीवनी दे जिन्ने प्रोजेक्ट नवी पीढ़ी नूं दसण वास्ते सिखाण वास्ते उन्होंने जीवन दी किताबां, उन्होंने जीवन दी कहानियां, उन्होंने जीवन दी कला, कोई नाटक, कोई गीत, कोई भजन, कोई सैमीनार, ये भी करने शुरू करो। और जिहड़े स्मारक स्थल होंदे उत्थों भी प्रेरणा मिलती है। जिस तरह असी लोहगढ़ का स्मारक बना रहे हैं, मैं अपनी सारे इस बरादरी नूं आह्वान करांगा कि जिहड़े अच्छे उद्यमशील लोग ने, पढ़े लिखे लोग ने, उहदे च कुछ अगर काम कर सकदे अगे वधो
पावा जी बैठे हैं, पावा जी नाल मिलके, पावा जी उस ट्रस्ट च असी रखा आया है, इन नाल मिलके ते कुछ ना कुछ अगे किस तरह काम किया जा सकता, करना चाहिए। तीसरा समाज सेवा दे काम, समाज दे हर तरह के लोग ने, आम गरीब आदमी भी है, अच्छा साहूकार पैसे वाला भी है, मध्यम दर्जे का भी है जिहड़ा अपना गड्डी अपनी चला रहा है, लेकिन जिहड़ा जरूरतमंद है, जिहदे कोलों थोड़ है, उहदियां जरूरतां पूरियां करन वास्ते भावें सिख्या दे, भावें सेहत दे, स्वास्थ्य दे, कोई स्कूल खोलण दे, कोई डिस्पेंसरी खोलण दे, छोटा मोटा हस्पताल अगे चलाना, उहदे चलाउण वास्ते लंगरां दी जिहड़ी परंपरा है उहनूं चालू करन वास्ते, यानी इस तरह के समाज सेवा के काम भी आपां नूं कुछ ना कुछ अगे लैके चलने चाहिए, वधने चाहिए।